बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम विज़िट करेंगे रावलपिंडी की बहुत ही एक मशहूर मार्केट जो कि लाल कुर्ती में है, और वहाँ जाके हमने क्या शॉपिंग की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम आ गए हैं, बहुत ही ये फर्स्ट में ही एक दुकान थी वहाँ पे, ये लेसिस की दुकान है। ये शॉप जो है वो फुली लोडेड है, और इधर बहुत तरह की लेसिस हैं, और यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स के बीड्स हैं, और कपड़ों पे आप जितने भी लवाजमात लगा सकते हैं हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल रही है। और यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले देखना शुरू की थी लेसिस, जो कि हमने डाई वाली लेसिस भी देखी हैं। तो यहाँ पर जिस तरह की भी आप लेस लेना चाहें डिफरेंट कलर्स हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ये शॉप हमें मिल गई है। तो यहाँ से जो है काफ़ी सारी हम शॉपिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको भी साथ साथ दिखाती जाती हूँ कि हमने क्या क्या बाय किया। सोचा तो हमने यही था कि पहले हम मार्केट को विज़िट करेंगे और उसके बाद फिर हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट शॉप पे ही गए और यहाँ पे इतने मज़े मज़े की हमें चीज़ें नज़र आईं कि फिर हम यहीं पे ही हो गए रह गए, और हमने जो है यहीं से जो है काफ़ी चीज़ें देखनी शुरू की। और ये लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें लेते आए कि अब हमने जो है डिसाइड किया कि हम यहाँ से भी काफ़ी शॉपिंग अब कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद आ रही होती है अपने कपड़ों के लिए, फिर आप वो वहाँ से ले कर ही वो होते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों की बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी है कि आप कपड़ों पे लेसिस के साथ साथ बीड्स भी लगा सकते हैं, और हर तरह की चीज़ जो है वो आप अपने कपड़ों को खूबसूरत मज़ीद बनाने के लिए वो कर सकते हैं। तो यही कुछ थोड़े से डिज़ाइन हैं मैं आपको दिखा रही हूँ जो लेसिस हैं, और इन लेसिस को जो है वो डाई करके कपड़ों के साथ जो है वो लगाया जाता है, और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं कपड़ों के साथ। तो अभी हमने फ़ाइनल तो यही दो तीन लेसिस ही की हैं, और इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ें अभी देख रहे हैं। मुझे बस 3 मीटर वाला है, ये 3 मीटर ले देते हैं। किधर किधर लगाने के? बाजू
यहाँ पर दुपट्टों पे जो हम किरण लगाते हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स की थी, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा प्यारा कलर था वो यही था, तो हमने सोचा कि ये वाली जो है ना ये तो हम ज़रूर लेंगे। तो अब ये तो हमने बाय कर ली है। इसके अलावा हर कलर की यहाँ पे किरण है, अगर आपके कपड़ों का कलर कोई सा भी हो, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लेना चाहें तो वो हर चीज़ आपके कपड़ों के साथ मैच करेगी। बहुत सारी चीज़ें तो बहुत मल्टी कलर्स की थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके कपड़ों के साथ जो है वो बहुत अच्छी सूट करेंगी। तो अब हमने ये भी ले लिया। आजकल कपड़ों पे जो है वो डिफरेंट जो है वो डिज़ाइनिंग हो जाती है, तो आजकल जो फैशन है वो कुछ डोरियाँ भी लगा सकते हैं आप गले पे, तो इनके पास जो है वो डोरियों की भी काफ़ी प्यारी जो है वो वैरायटी थी। तो इसमें जो ये कॉपर कलर है वो ऑलमोस्ट सारे कपड़ों के साथ ही चल जाता है, तो अब हमने जो है इधर कॉपर कलर की भी वो जो डोरी थी वो ले ली है, क्योंकि मोस्टली जो कपड़े हैं उनमें ये कॉपर रेड और ये डार्क कलर्स जो हैं वो बहुत सूट करते हैं। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एरिया भी विज़िट करवा देती हूँ। यहाँ पर मोस्टली जो दुकानें हैं वो रेडीमेड कपड़ों की है, और इसके अलावा दूसरे कपड़े भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन बहुत यहाँ पे वास्ट जो है वो वैरायटी है। इसके अलावा यहाँ पे फूलों की बहुत सारी प्यारी प्यारी दुकानें हैं कि अगर आपकी कोई शादी है या कोई फंक्शन है तो आप यहाँ से बहुत ईजीली बाय कर सकते हैं। संडे होने के बावजूद यहाँ पे काफ़ी कम रश है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्ली आ गई थी और यहाँ पे जो है वो कम रश होने की वजह से बहुत इजीली मैंने जो कुछ बाय करना था अच्छे तरीके से बाय भी कर लिया। यहाँ पे एक जूतों की दुकान भी थी, वहाँ पे सेल थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ ट्राई करती हूँ। यहाँ पे जूते जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत पीसफुल ये मार्केट है, आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और
शॉपिंग अगर आपने करनी है तो महंगाई तो है ज़ाहिर है, लेकिन ये कि आपको काफ़ी सारी जो है वो वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। जिस तरह से मोती बाज़ार में आप जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, ज्वेलरी से लेके कपड़ों तक। तो ये जो सारा एरिया है इस बाज़ार में भी आपको सब कुछ उसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। छोटे बच्चों के भी आपको यहाँ पर कपड़े मिलेंगे। आजकल विंटर है तो बहुत सारा सीज़न है ड्राई फ्रूट का, तो अब हम जो है ड्राई फ्रूट की एक शॉप है उसको विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट तरह का जो है बहुत मज़े की चीज़ें, और यहाँ पे वो भी है मुरमुर जो होता है वो जिसको मुरुंडा बोलते हैं, तो वो मुझे बहुत सारी वो क्यूरियोसिटी थी कि ये कहाँ से मिलता है। तो ये मैंने शॉपकीपर से भी पूछा कि ये इसको जो इसका जो दाना होता है चावल की तरह का वो कहाँ से मिलता है, तो उसने मुझे बताया कि मंडी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। क्योंकि मुझे ये लगता था कि शायद यहाँ शॉप्स पे मुझे कहीं से मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुकिंग वीडियोस भी बनाती हूँ तो उस पे जो है वो मैं उसकी कोई रेसिपी बनाऊँगी, तो ये जो है वो मंडी से ही मिलेगा बहुत दूर। और अब इतना घूम फिर लिया है, इतना जो है वो थक गए हैं कि अब लग चुकी है भूख, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी शॉप है जहाँ से हम कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। और फाइनली हमें एक शॉप मिल चुकी है जहाँ पे बहुत गरम गरम से समोसे बन रहे हैं और जलेबियाँ भी बन रही हैं। तो अब हमने जो है सोचा है कि हम लेंगे जलेबियाँ, समोसे और पकौड़े। जो थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न हुई थी घूमने फिरने से उसका हमने दोबारा से इंतज़ाम कर लिया है कि हमारे जो हैं वो बिल्कुल भी वेट लॉस ना हो सके। तो गरम गरम से समोसे तो आ गए हैं और बस ये मुझे अंकल जो हैं वो रेडी करके देंगे सारा पैक जो हम अब घर ले जाएंगे, और घर जाते ही हमने जो है वो खा लेना है सब कुछ। तो अब हम फाइनली फ्री हो चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आया। और अब ये जो आखिरी जो हमारा एक एडवेंचर था वो रिक्शे का था, तो अब हम लोग जो हैं वो रिक्शे में बैठ चुके हैं और हमने बहुत मज़ा किया है, आज बहुत इंजॉय किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा ये मार्केट विज़िट करके मेरे साथ।
क्योंकि ये मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त मार्केट है शॉपिंग के लिए। अगर आपने कुछ चीज़ें लेनी है, इसके लिए आप ज़रूरी नहीं कि आप मोती बाज़ार जाएँ, क्योंकि मोती बाज़ार जो है वो हर एक के घर के करीब नहीं है और वो काफ़ी दूर है, और उसमें जाने के लिए और आने के लिए भी टाइम काफ़ी लगता है। तो अगर आपके घर के करीब ये मार्केट हो तो आप ज़रूर इसको विज़िट करें। लाल कुर्ती मार्केट है ये, और यहाँ पे बहुत आपको वैरायटी मिल जाएगी स्टिच्ड कपड़ों की, अनस्टिच्ड की, हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। इवन पेंट की भी दुकानें हैं, फूलों की भी दुकानें हैं। सो ये एक कंप्लीट पैकेज है कि अगर आपने मार्केट विज़िट करना है और आपको कोई भी चीज़ लेनी है, तो ड्राई फ्रूट से ले कर आप जो है वो खाने पीने की चीज़ें, जितना कुछ भी लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। आपको आज का मेरा ये वीलॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगा है तो आपने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो है आपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि आपको इसी तरह की मज़े मज़े की खाने की भी वीडियोस मिल सकें और वीलॉग की वीडियोस भी मिल सकें। और टाइम की कमी की वजह से थोड़ा कुकिंग पे अभी कंसंट्रेशन नहीं है मेरी, लेकिन ये कि आने वाले दिनों में जो है वो मेरी कोशिश होगी कि वीलॉग के साथ साथ मैं कुकिंग की भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आपने जो है वो मेरे साथ जो है वो जुड़े रहना है, और इसको ज़रूर आपने लाइक भी करना है मेरी वीडियो को, और इसको शेयर भी करना है अपनी फैमिली के साथ। किसी और नए टॉपिक या किसी नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट आपके साथ मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।